हेलो, चलिए देखते हैं नींबू पानी की रेसिपी एक अलग अंदाज में। सबसे पहले हम बनाने वाले हैं चाशनी। 2 कप चीनी मैंने यहाँ पर ली है, इसमें जाएगा 2 कप पानी। अब हम चाशनी क्यों बना रहे हैं? गर्मी में बहुत बार बार नींबू पानी या शरबत बनाना पड़ता है और हर बार चीनी को अगर आप मिलाने जाएंगे तो काफी टाइम लग जाता है। तो इस तरह से अगर आप एक चाशनी बनाएंगे, चाशनी भी एकदम हमें तार वाली नहीं बनानी है, हल्की सी बनानी है, तो ऐसी चाशनी आप फ्रिज में रख सकते हैं और जब चाहे तब शरबत बना सकते हैं। हल्का सा चिपचिपापन आया है, तार अभी बनी नहीं है। इस चाशनी में आखिर में अगर आप थोड़े से दाने सिट्रिक एसिड यानी नींबू के फूल के या फिर नींबू का रस अगर आप 2 से 3 बूंद डाल दें तो ये जो चीनी है इसके अंदर की ये वापस से क्रिस्टलाइज नहीं होगी, कड़क नहीं होगी, ये ऐसी ही रहेगी आपकी चाशनी लिक्विड स्टेट में। अब चाशनी को आप पूरी तरह से ठंडा होने दें और एक कांच की बॉटल, प्लास्टिक में भी भर ही सकते हैं, पर कांच की अगर हो तो कांच में भरें और फ्रिज में रखें। 1 महीना या फिर ये उससे भी ज्यादा टिक जाएगी। 3 तरह के हम नींबू पानी बनाएंगे। सबसे पहला है सौंफ वाला, बहुत ही रिफ्रेशिंग लगता है, बहुत टेस्टी लगता है। तो 1 टीस्पून सौंफ ले और इसे दरदरा आप कूट ले। आप चाहें तो मिक्सी में सौंफ की पाउडर भी बनाकर रख सकते हैं। ऐसा करने से आप जब चाहें तो सौंफ वाला नींबू पानी बना सकते हैं। तो सबसे पहले ग्लास में डालें सौंफ की पाउडर, 2 चुटकी नमक, बर्फ के क्यूब्स, नींबू का रस और इसके बाद डालें चाशनी। अब चाशनी की क्वांटिटी मैं नहीं बता रही हूँ, ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। पानी डालें, सब चीज़ अच्छे से मिलाएं, टेस्ट करके देखने के बाद अगर आपको लग रहा है कि और चाशनी चाहिए तो आप और मिला सकते हैं। बस इस तरह से आप झटपट नींबू पानी बना सकते हैं। सौंफ वाला अगर आपने कभी ट्राई नहीं किया है तो ज़रूर ट्राई करके देखें, बहुत बढ़िया लगता है। अगला फ्लेवर है जलजीरा ग्रीन चिली। ग्रीन चिली, हाँ चिली डालने वाले हैं, तो थोड़ी सी आप चिली कट करें और इसकी आप एक पोटली बना लें पतले से कपड़े में, या फिर आप ऐसा टी स्ट्रेनर यूज कर सकते हैं। कुल्लू की शरबत में मिर्च डाली जाती है या फिर गुआवा आइसक्रीम पर भी मिर्च डाली जाती है। शरबत में यानी जो हम बना रहे हैं आज, उसमें भी आप जरूर ट्राई करें, जलजीरा के साथ बहुत अच्छी लगती है। तो सबसे पहले 1 टीस्पून जलजीरा मसाला आप रेडीमेड यूज कर सकते हैं, 1 छोटे से मीडियम साइज के नींबू का रस, इसके बाद डालें शुगर सिरप यानी चाशनी और फिर डालें पानी। अब इसके बाद हमें इसमें डालनी है मिर्च। मिर्च को मैंने इसलिए इस टी इन्फ्यूज़र में डाला है ताकि मिर्च को हम आसानी से निकाल सकें। अगर आपको ना पोटली बनानी है और ना ही कोई टी इन्फ्यूज़र यूज़ करना है तो आप इस शरबत को जलजीरा डालने से पहले मिर्च के साथ मिलाएं और छान के फिर जलजीरा डालें। ऐसा करने से मिर्च का हल्का सा स्वाद शरबत में उतरेगा और आप आसानी से मिर्च निकाल पाएंगे और कम मिर्च में आप 2 से 3 ग्लास शरबत बना सकते हैं। अब डालें बर्फ के क्यूब्स और अच्छे से मिला लें। हमारा जलजीरा ग्रीन चिली नींबू पानी भी रेडी है। ये भी बहुत अमेजिंग लगता है, जरूर ट्राई करें, सारे के सारे वैसे बहुत बढ़िया है। लास्ट है जिंजर पुदीना या जिंजर मिंट नींबू पानी। इसके लिए हमें चाहिए थोड़ा सा अदरक। अदरक को आप कद्दूकस कर लें। 1 ग्लास में डालें नींबू की स्लाइस, ये ऑप्शनल है, और 2 से 3 बूंदें अदरक के रस की। बहुत ज्यादा डालेंगे तो शरबत कड़वा हो जाएगा। छोटे से मीडियम साइज का नींबू का रस, फिर डालें शुगर सिरप और थोड़े से पुदीने के पत्ते। आप चाहें तो इससे भी कम डाल सकते हैं, 3 से 4 पत्ते ही डालें और बहुत ज्यादा इसे मिलाएं ना, वरना आपका शरबत कड़वा हो जाएगा। हल्का सा मिक्स करें, फिर डालें बर्फ के क्यूब्स और पानी डाल के बस स्टर करें। तो थोड़ा मोहितो स्टाइल का हमारा ये शरबत है, लेकिन जिंजर के साथ। इस फ्लेवर में भी आप थोड़ा सा नमक डालें, नॉर्मल वाला या फिर काला नमक आप नींबू पानी में यूज कर सकते हैं। नमक से भी नींबू पानी के किसी भी फ्लेवर का जो स्वाद है ना, एनहांस हो जाता है। अगर आपको नींबू पानी बनाने का ये तरीका विद शुगर सिरप पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक मजेदार और टेस्टी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय।